आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। सबसे पहले एक बॉयल ले लीजिए, उसमें पालक को रख दीजिए। इसको अच्छे से आप धो लीजिए कि इसका गंदा पूरा निकल जाए। उसके लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेवी के लिए टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, तेजपत्ता चाहिए, जीरा चाहिए, गरम मसाला भी चाहिए। और इसको गर्म पानी में आप बॉईल कर लीजिए। ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, नॉर्मली आपको बॉईल करना है पालक को, नहीं तो ये हल्का सा मेल्ट होने लगती है। आप देख सकते हैं पालक अच्छे से बॉईल हो गया है, मैंने इसको बॉईल में निकाल लिया है। उसके बाद चलते हैं सस्पेन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर डालते हैं, इसको चला लेते हैं। और इसमें आप डालते हैं पनीर। पनीर को 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं गाइस पनीर फ्राई हो गया है, और इसको प्लेट में आप निकाल लेते हैं हम लोग। और उसके बाद चलते हैं फिर सस्पेन में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, जीरा डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, लौंग इलायची डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था बारीक और कटा उसको भी डाल देते हैं। और इसको आप अच्छे से चला लीजिए। और इसमें आप डालते हैं टमाटर, प्याज डाल देते हैं। 2 मिनट के लिए फ्राई करना, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना आपको फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है। उसके बाद चलते हैं जार लेते हैं, जार में पालक को डाल देते हैं जो बॉईल हमने किया था। और इसमें जो जस्ट अभी हम लोग मसाला जो रेडी किया हुआ था उसको भी इसमें डाल देते हैं। ये दोनों को साथ में पीस लेना, और इसमें आपको पानी नहीं डालना है क्योंकि पीसने के बाद ये ऑटोमेटिक ही पानी हो जाता है क्योंकि पालक है, इसलिए। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब चलते हैं हम लोग एक सस्पेन लेते हैं, उसमें थोड़ा बटर डाल देते हैं। अगर आपके पास घी है, बटर है, रिफाइन, आप कुछ भी डाल सकते हैं एनीवे। और इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दीजिए, मैंने जीरा को डाल दिया। इसको फ्राई कर लीजिए हल्का सा, गैस को ज़्यादा हाई भी मत कीजिएगा, मीडियम पर रखिएगा। और जो पालक को हम लोग पीसे हुए थे उसको इसमें डाल देंगे, और इसको चलाते रहिएगा 25-30 सेकेंड के लिए, और इसको कवर करके अब रख दीजिए। अब चलते इसमें थोड़ा हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, और इसमें हल्का सा मिक्स मसाला डाल दीजिए। आप जब आपके पास पनीर मसाला है वो भी डाल सकते हैं। और इसमें हल्का सा आपको धनिया पाउडर डालना है और रेड चिली पाउडर डाल देना है, और इसमें आपको पनीर मसाला भी डाल देना है। और इसको चला लीजिए अच्छे से, और इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं गाइस मसाला अच्छे से पक गया। और इसमें थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। आटा डालने से ना इसका जो स्वाद होता है ना बहुत अलग हो जाता है गाइस। आप लोग कोशिश कीजिए वह ऐसे बनाने के लिए, मैं कुछ अलग तरह से बनाई हूँ गाइस। और इसमें आपके पास अगर मलाई होगा, अगर दूध होगा तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास मलाई था तो मैंने इसमें मलाई ही डाल दिया है। अब चलते मसाला फ्राई हो गया है, और इसमें डालते हैं पनीर। पनीर को डालकर इसमें अच्छे चला लीजिए 2 मिनट के लिए, और इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए।